असलम डियर स्टूडेंट्स वेव मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने देखा अबाउट ट्रांसवर्स वेव्स एंड वेव्स और ये भी हमने फाइंड आउट किया कि ट्रांसवर्स वेव्स आर करैक्टराइज बाय क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स एंड लॉन्गिट्यूडल वेव्स आर करैक्टराइज बाय कम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन्स ठीक है अब एक टर्म है वेव लेंथ वेव लेंथ ठीक है तो अगर मैं यहां पे ट्रांसवर्स वेव की एक सिंपल शेप ड्रॉ करूं दिस इज क्रस्ट एंड दिस इज ट्रफ दिस इज कॉल्ड एज वन साइकिल ऑफ वेव वन साइकल ऑफ वेव तो वन साइकल ऑफ वेव की जो लेंथ होगी दैट इज कॉल्ड एज वेव लेंथ इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेमडा तो इट इज लेंथ और डिस्टेंस कवर्ड By wave in its one cycle, one cycle. या आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर आप इस वेव को आगे ले जाओगे तो क्रस्ट के बाद क्रस्ट बनेगा तो क्रस्ट के सेंटर से दूसरे क्रस्ट के सेंटर तक तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव ट्रफ्स दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेव लेंथ ठीक है इट इज डिनोट बाई लेमडा एंड इसका ऐसा क्या होगा मीटर होगा इसी तरह से टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या होगा नंबर ऑफ साइकिल्स ठीक है वेव कितने साइकिल्स करेगी ऐसे ही फ्रीक्वेंसीज नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ वेव पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम इसको हम नोट करते हैं किससे न्यू से इसी तरह से टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी क्या क्या होगा रेसिप्रोकल और जो वेलोसिटी uh, होगी दैट इज़ आपको पता ही है डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम

Lamna, वो होगा लाइट वेव के लिए इन वैक्यूम ठीक है तो अगर हम वेव्स के स्पीड्स uh, की बात करें अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें स्ट्रिंग पे फॉर ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग यानी कि जो मैंने कल बताया एक रस्सी पे या एक स्ट्रिंग अगर होगी उस पर जो वेव चलती है दैट इज ट्रांसवर्स वेव और उस ट्रांसफर्स वेव की स्पीड होती है v इज इक्वल टू अंडर उन् द स्ट्रिंग कैपिटल टी अपॉन रो टी इज टेंशन एंड रो इज डेंसिटी मास की डेंसिटी क्या होती है उसमें दैट इज रो एंड टी इज द फोर्स ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इसी तरह से है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर्स वेव थ्रू सॉलिड ट्रांसफर्स वेव थ्रू सॉलिड ठीक है किसके बराबर होता है वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ नीटा अपॉन रो नीटा अपॉन रो तो रो तो डेंसिटी है यहां पे एक टर्म हमने यूज की नीटा इट इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये जो सॉलिड है उसके मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ये क्या होता है ये कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड विद इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ठीक है इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिटूडनल वेव्स की अगर बात करें थ्रू फ्लूड्स लिक्विड्स एंड गैसेस वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू जैसे साउंड वेव है ठीक तो है थ्रू फ्लूड्स यानी कि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स किसके बराबर होते हैं वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन रो वायर जो के हमारे पास है के होता है बल्क मॉडलस ऑफ इलास्टिसिटी ठीक है तो ये हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी तीन तरह के होते हैं यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी एंड नीटा मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी ठीक है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जब हम इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे तो ये है वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू फ्लूड्स तो इससे हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर ठीक है और स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा किस में है, solidus, है, होती है दैट इज थ्रू सॉलिड्स ठीक है स्टील के थ्रू होती है अब ऑर्डर ऑफ फाइव थाउजेंड मीटर्स पर सेकेंड तो दैट इज़ वेरी फास्ट इन सॉलिड्स ठीक है अब हम वेव जो भी है जो कोई भी वेव है इसकी इक्वेशन निकालेंगे प्रोग्रेसिव वेव जो वेव चल रही होगी मीडियम में तो इसकी हम इक्वेशन निकालेंगे अब ये हमने एक प्रोग्रेसिव वेव ले, ले ली सपोज ट्रांसवर्स वेव है ये और ये वेव चल रही है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इधर ठीक है और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो वाइब्रेट कर रहा है ऐसे ऊपर नीचे तो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम की जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन है दैट इज वाई डायरेक्शन ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव लेकिन वेव जा रही है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ठीक है एंड दिस इज लेंथ ऑफ वन साइकिल ऑफ वेव दिस इज हाउ मच लैमडा ये आपको पता होना चाहिए अभी हमने पढ़ाई है ठीक है तो अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है वो क्या कर रहे हैं वो एस एच एम कर रहे हैं ठीक है अप एंड डाउन कर रहे हैं मैंने कल के लेक्चर में बताया कि ये बात याद रखना कि वेव मोशन में पार्टिकल्स ऑफ मीडियम क्या कर रहे हैं एस ठीक है SHM, अपनी मीन पोजिशन के अबाउट ठीक है और एनर्जी आगे जा रही है डिस्टर्बेंस आगे जा रही है ठीक है तो एट ओ अगर मैं लिखूं एट टी इज इक्वल टू ज़ीरोटी टू जीरो एक्स इज टू ज़ीरो ठीक है तो जो पार्टिकल ऑफ मीडियम ऊपर पे है जो पार्टिकल ऑफ मीडियम ऊपर पे है उसकी जो वाइब्रेशन है या एस एच एम जो वो कर रहा है ऊपर नीचे उसकी डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं लिखूँ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो आएगा ऐसे वाई जीरो कॉमा टी ठीक है एक्स कोऑर्डिनेट है जीरो और टी है टाइम तो किसके बराबर होगा एम्पलीट्यूड कितना ये देखिए ए ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना दूर जा सकता है ए नीचे नीचे भी और ऊपर भी हाँ नीचे वाली डायरेक्शन को हम डिनोट करते हैं बाय माइनस ठीक है तो क्या आएगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी ये तो पता ही है ठीक है सिम्प सिंपल हारमोनिक मोशन की इक्वेशन है और ये किसके लिए ये अभी वेव के लिए नहीं ये पार्टिकल्स ऑफ मीडियम के लिए है ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं अब हम क्या कर रहे हैं जब वेव चल रही है डिस्टर्बेंस चल रही है तो सारे पार्टिकल्स एक साथ वाइब्रेशन नहीं कर रहे हैं ये बात आपको पता होनी चाहिए ठीक है वे डिस्टरबेंस पहले पहुंच जाएगी पॉइंट ओ oh पे फिर किसी टाइम के बाद पहुंच जाएगी पॉइंट पी पे ठीक है मान लो टी टाइम सपोज लग रहा है ठीक है तो इसका इसका कहने का मतलब ये है कि सारे पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो है वो वाइब्रेट नहीं करते हैं इन फेज दोज आर नॉट वाइब्रेटिंग इन फेज तो हमने पार्टिकल ऑफ मीडियम लिया कहीं पे पी ठीक है पार्टिकल ऑफ मीडियम लिया हमने पी तो ओ पे जो पार्टिकल है और पी पे जो पार्टिकल है इनके बीच फेज डिफरेंस है फाइव उनके बीच फेज डिफरेंस क्या है फाइव तो जो यहाँ पे पार्टिकल होगा उसके लिए हम वाइब्रेशन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे वाई वाई ऑफ एक्स कॉमा टी क्योंकि अभी डिस्प्लेसमेंट वेव ने कितनी कवर की है एक्स ठीक है कॉमा टी इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव ठीक है माइनस फाइव इसीलिए आ रहा है क्योंकि वेव यहाँ से आ रही है तो पहले वाइब्रेट ये करेगा फिर उसके बाद ठीक है तो ये बाद में वाइब्रेट करेगा इसका मतलब ये पीछे चल रहा है फेज़ में इसीलिए क्या आया माइनस फाइव फेज़ डिफरेंस कितना आया फाइव ठीक है अब एक बात आप समझिए कि जब वेव ऑफ से जाएगी यहाँ तक यानी कि जब वेव डिस्टेंस कवर करेगी कितना लेमडा यानी कि वेव लेंथ के बराबर जब एक वेव वेव लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी तो उसके फेज़ में कितना चेंज हो जा हो जाएगा दैट इज़ टू पाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक ठीक है यहाँ से यहाँ तक जब ये वे वेव एक साइकिल कंप्लीट करेगी तो एंगल कितना कवर होगा फेज़ कितना चेंज होगा टू पाई यहाँ पे मान लीजिए ज़ीरो है ठीक है तो इसका हाफ होगा कितना पाई ये होगा पाई बाई टू ये होगा थ्री पाई बाई टू तो दिस दिस इज़ ज़ीरो पाई बाई टू फिर पाई फिर थ्री पाई बाई टू फिर टू पाई ठीक है फेज चेंज इन वन कंप्लीट साइकिल इज टू पाई ठीक है ये एंगल ये आपने वैसे भी ग्राफ पढ़ा होगा अगर आपने साइन कर रुका ग्राफ मैंने पढ़ाया था आपको पहले यूनिट में जब मैंने जब हमने फिजिक्स स्टार्ट की थी तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट ग्राफ्स ठीक है तो साइन के एक साइकिल में एंगल कितना कवर होता है टू पाई तो ये तो साइन का ही ग्राफ है ट्रांसफर्स वेव का हमने सिंपल इसको बनाया साइन ग्राफ ही ले ले लिया है तो कहने का मतलब ये है जब डिस्टेंस कवर होती है लेमडा फेज चेंज होता है टू पाई ठीक है तो ये हम लिखेंगे फॉर डिस्टेंस लेमडा फाई इज इक्वल टू टू पाई फॉर डिस्टेंस लेमडा फाई इज इक्वल टू टू पाई फॉर यूनिट डिस्टेंस अगर ये यूनिट डिस्टेंस चलता मान लीजिए एक सेंटीमीटर चलता है एक मीटर तो उस सिचुएशन में फाई कितना होता है टू पाई बाई लेमडा जरूरी बात है लेम्डा डिस्टेंस के लिए फेज चेंज होता है टू पाई यूनिट डिस्टेंस के लिए कितना होगा टू पाई डिवाइडेड बाई लेमडा ठीक है अच्छा अभी हमारे पास इस पी पार्टिकल और ओ पार्टिकल के बीच डिस्टेंस कितनी है एक्स तो एक्स डिस्टेंस में फेज चेंज कितना होगा फॉर एक्स डिस्टेंस फाइव इक्वल टू टू यूनिट के लिए कितना टू पाई लैम्डा तो एक्स के लिए कितना होगा मल्टीप्लाइड बाई एक्स तो इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन आई वाई ऑफ दियर फोर वाई ऑफ एक्स कॉमा टी डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टाइम ठीक है इज इक्वल टू एक्स सॉरी एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव एंड वाई इज द वाई इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम विच आर डूंग एस एच एम ठीक है साइन ऑफ ओमेगा टी आएगा ठीक है माइनस पाई की फाई की जगह आप क्या लिखोगे टू पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स टू पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स तो दिस इज वन क्वेशन वन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग एलोंग ये बात याद रखिए ट्रैवलिंग एलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ट्रैवलिंग एलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन अब ओमेगा क्या है ओमेगा है एंगुलर फ्रीकुन्सी ठीक है और टू पाई बाई लेमडा क्या है वेव लेंथ एक्स इज हॉरिजोंटल डिसमेंट एट एनी टाइम टी ठीक है अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं वी कैन चेंज इट लाइक दिस पहले मैं इस इक्वेशन को दूसरे पेज पर लिखता हूँ। वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस टू पाई बाई लेमडा इन टू एक्स ये हमारे पास इक्वेशन है अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं कैसे ये देख लीजिए वाई ऑफ एक्स कॉमा टी तो पहले पता है फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी है ये पोजिशन एंड टाइम ए साइन ऑफ ओमेगा ओमेगा को को मैं कैसे लिख सकता हूँ टू पाई बाय कैपिटल टी इन स्मॉल टी आपको पता होना चाहिए ओमेगा किसके बराबर होता है टू पाई न्यू और न्यू की जगह मैं लिखूंगा वन बाय कैपिटल टी ठीक है तो ओमेगा इज टू पाई बाय कैपिटल टी ये तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है ओमेगा बराबर है टू पाई कैपिटल टी के तो ओमेगा की जगह आ गया टू पाई कैपिटल टी आ गया स्मॉल टी माइनस टू पाई बाय लैम्डा आगे है स्मॉल एक्स ठीक है x, तो कॉमन क्या निकलेगा कॉमन निकलेगा यहाँ पे टू पाई तो वाई ऑफ एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू ए साइन ऑफ टू पाई कॉमन निकला टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैमडा एक और इक्वेशन बन गई प्रोग्रेसिव वेव की ठीक है अब इसको भी अगर हम चेंज करेंगे इसको भी अगर हम चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे दैट इज y is equal to y of x t is equal to a sine of टू पाई सपोज यहाँ पे हम लेमडा लिख रहे हैं ठीक है तो ये वाला लेमडा जो है ये हमने कॉमन किया ठीक है तो ऊपर क्या आएगा ऊपर आएगा लेमडा टी अपॉन क्या आएगा टाइम पीरियड टी माइनस क्या आएगा एक्स तो कहने का मतलब ये है अगर आप इस लैमडा को वापस ले जाओगे जब लेमडा यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो लेमडा लेमडा कैंसल तो आएगा टी बाई टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई लेमडा तो हमने लेमडा कॉमन किया नीचे डिवाइड किया तो इसके साथ तो नहीं था इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया ठीक है तो ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें वही मिल जाएगा अब इससे क्या होगा वाई ऑफ एक्स कॉम टी इज इक्वल टू ए साइन ऑफ टू पाई बाई लेमडा टू पाई बाई लेमडा अब ये देख लीजिए लेमडा बाई टी लेमडा बाई टी लैमडा है लेंथ ऑफ वन साइकिल ऑफ वेव यानी कि लेमडा है लेंथ या डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन वन साइकिल तो लैमडा है डिस्टेंस टी है टाइम तो लेमडा है डिस्टेंस जो एक साइकिल में कवर की गई टी है टाइम जो एक साइकिल को लगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी आएगा वी इन टी माइनस एक्स दिस इज एनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इन टर्म्स ऑफ वेलॉसिटी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ठीक है एक और इक्वेशन भी है जिसको हम इन टर्म्स ऑफ वेव वेक्टर भी लिख सकते हैं ठीक है वो क्या है वो हम आ, आगे चल के देखेंगे ओरिजिनल इक्वेशन पे हम वापस आते हैं तो ये इक्वेशन है ये जो है दिस इज इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ठीक है इसी तरह से एक और ये भी है वाई ऑफ एक्स इज इक्ल टू जो हमने पहले डिराइव की ए साइन ऑफ ओमेगा इस इक्वेशन को मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ वाई ऑफ एक्स कॉमा टी ज इक्वल टू ए साइन ऑफ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स ओमेगा टी माइनस के एक्स यानी कि मैंने टू पाई बाई लेमडा की जगह क्या लिखा के टू पाई बाई लेमडा की जगह क्या लिखा के इट इज कॉल्ड एज वेव वैक्टर ठीक है तो के बराबर है टू पाई अपॉन लेमडा इसको क्या हम कहते हैं इट इज कॉल्ड एज वेव वैक्टर वेव क्टर टू पाई अपॉन लेमडा तो दिस इज अनदर इक्वेशन तो तीन इक्वेशन हमने लिखी वेव मोशन की ए साइन ओमेगाटी माइनस के एक्स ए साइन ओमेगा इंटू एक्स और दूसरा क्या आया ए साइन टू पाई बाईम इंटू वी टी माइनस एक्स अब अगर वेव जा रही होगी अब अगर वेव जा रही होगी नेगेटिव ये एक्स डायरेक्शन में यानी कि इसके अपोजिट होगी तो उस सिचुएशन में इक्वेशन आएगी यही आएगा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन टू बाई बेल वी टी माइनस एक्स नहीं आएगा वी टी प्लस एक्स आएगा ठीक है तो दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन यानी कि इस जो हमने डिराइव की उसकी उसके उस डायरेक्शन की अपोजिट अगर वेव की डायरेक्शन होगी तो उस सिचुएशन में क्या आएगा माइनस एक्स की जगह क्या आएगा प्लस एक्स इसी तरह से जो आगे है ओमेगा टी माइनस एक्स की जगह क्या बनेगा ओमेगा टी plus kx2 so this is equation of a progressive wave thank you